उत्पादन के क्या है साधन, मतलब उत्पादन का जो साधन है कई प्रकार के है, पांच प्रकार का उत्पादन का जो क्या है साधन है, उत्पादन का साधन है। और ये जो है कई प्रकार के, पांच प्रकार के उत्पादन के जो साधन है कई प्रकार के, चार प्रकार के। पहला में क्या है भूमि, और दूसरा में श्रम, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, में श्रम, और तीसरा में पूंजी, और चौथा में संगठन, और पांचवा में साहस या उद्यमी, उद्यमी या इसको बोलते हैं उद्यम, साहस या उद्यम। तो पहला में है भूमि, तो उत्पादन क्या, तो उत्पादन किसे कहते हैं इसके अगले वीडियो में पहले बता चुके हैं। तो उत्पादन क्या है किसे कहते हैं, पैसा, उसमें क्या करता था आर्थिक विकास करता था, मतलब कोई भी वस्तु में क्या करता, मनुष्य अपने आर्थिक विकास करने के लिए वस्तु में क्या करता था परिवर्तन करता था, मनुष्य अपने वही क्या कराता था विकास के लिए उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन की जैसे वस्तु में परिवर्तन, जैसे लकड़ी से क्या बनाता था कुर्सी, उत्पादन किया कि नहीं, तो वस्तु में परिवर्तन किया तो वही उत्पादन कहलाता है। और इसका जो प्रकार है, मतलब इसका साधन के साधन है, मतलब उत्पादन के साधन जो है पांच भागों में बांटा बांटा गया है। पहला में भूमि, तब उत्पादन का प्रमुख साधन क्या है भूमि, मतलब प्रमुख साधन क्या है भूमि। क्योंकि कोई भी वस्तु को उत्पादन करते हैं तो कहाँ रखते हैं भूमि में, जमीन पर। जैसे लकड़ी से कुर्सी को उत्पादन किया था, उत्पादन किया तो कहाँ पे रखा जमीन पर। कोई भी चीज को मान लो मार्कर है, तो इसको हम उत्पादन, पहले इसको उत्पादन किया तो इसको रखने की जगह पहले होना चाहिए, तो भूमि होना अनिवार्य है, भूमि रहेगा तभी इसको रख सकते हैं। तो भूमि उत्पादन को, उत्पादन का प्रमुख साधन क्या है भूमि। क्योंकि कोई भी वस्तु को उत्पादन करते हैं तो सर्वप्रथम कहाँ रखते हैं भूमि पर रखते हैं, इसलिए क्या है भूमि अत्यावश्यक। फिर दूसरा में क्या है श्रम, इसी को बोलते हैं मजदूर। तो श्रम में क्या आता है मजदूर। तो उत्पादन का दूसरा संसाधन है दूसरा, तो उत्पादन का दूसरा संसाधन, उत्पादन का दूसरा साधन क्या है श्रम है, यानी कि मजदूर है। क्योंकि कोई भी वस्तु को, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है तो उसको उत्पादन करेंगे, तो उत्पादन करने के लिए मजदूर की आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं, काम करेगा मजदूर काम करेगा। तो उत्पादन का जो दूसरा प्रमुख साधन है क्या है मजदूर है। तो कोई भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए हम क्या चीज के, मतलब मजदूर की आवश्यकता होती है, है। फिर तीसरा में है पूंजी, तीसरा में क्या है पूंजी। तो तीसरा जो है पूंजी है, तो उत्पादन करने के लिए हमें क्या चीज की अति आवश्यक है पूंजी। क्योंकि जैसे उत्पादन करेंगे तो पूंजी का आवश्यकता है क्यों नहीं है ना, कि जैसे करेंगे हम उत्पादन करेंगे कोई वस्तु, जैसे मान लो चीनी, चीनी उत्पादन करेंगे ठीक। तो चीनी जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन, तो हमको पूंजी की आवश्यकता है कि नहीं। क्योंकि कच्चे माल और फिर इस मजदूर इस सब को, मतलब पैसा देने के लिए, मतलब इस सब को खरीदे, कच्चे माल को खरीदेंगे, यानी कि गन्ना, तो गन्ना को खरीदेंगे तो पैसा की जरूरत है कि ना, तो पूंजी की जरूरत है कि ना। तो उत्पादन का जो तीसरा साधन है वो क्या है पूंजी है। क्योंकि पूंजी जब नहीं रहेगा तब कच्चा माल नहीं खरीदेगा, कच्चा माल नहीं खरीदेगा फिर कहाँ से बनेगा। तो इसलिए क्या है उत्पादन का तीसरा साधन क्या है पूंजी है। क्योंकि कच्चे माल और मजदूर को खरीदने के लिए क्या करते हैं पूंजी की आवश्यकता, पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर चौथा में क्या है संगठन, चौथा में संगठन। तो उत्पादन का जो चौथा साधन है क्या है संगठन है।
क्योंकि क्योंकि कोई भी वस्तु को हम उत्पादन करते हैं तो पहले संगठित किया जाता है। मतलब पहले मान लो चीनी हमको उत्पादन करना है, ठीक। तो चीनी जब हम उत्पादन करना है तो पहले हम पहली ये बना देते हैं कि अभी मतलब ई चीज लगेगा, वो चीज लगेगा, मतलब कच्चा माल लगेगा, मजदूर लगेगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं। मतलब पांच मजदूर लगेगा तो पांच लोग लाएंगे। मान लो चीनी गन्ना लगेगा तो गन्ना मान लो दस ट्रक लगेगा। तो दस ट्रक पहले से क्या करते हैं, संगठन करते हैं। तो यही क्या हुआ, उत्पादन करने के लिए कोई वस्तु को पहले क्या किया जाता है, संगठित किया जाता, मतलब संगठन किया जाता है। फिर पांचवा में क्या है, साहस या उद्यमी। तो साहस या उद्यमी से क्या बोलते हैं, साहस या उद्यमी। तो उत्पादन का जो पांचवा साधन क्या है, साहस या उद्यमी। तो उद्यमी यानी कि साहस। तो साहस जैसे कोई भी वस्तु उत्पादन करता है, जैसे कोई भी मतलब व्यक्ति क्या करता है, उत्पादन करता है। तो उत्पादन करता है तो उसको लाभ कमाना रहता है। अब लाभ कैसे कमाएगा, लाभ कमाना रहता है तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उत्पादन करता है। मान लो यही उत्पादन करता है, इसको तो उद्देश्य क्या रहता है सबका, लाभ कमाना। लेकिन किसी कारण बस क्या हो जाता है, हानि हो जाता है, जिसके कारण हानि हो जाता है। तब क्या होता है, इसे हानि हो गया, मतलब उसको तो उद्देश्य था क्या, लाभ कमाना, लेकिन क्या किसी कारण बस हानि हुआ। तो जब हानि हो गया तो क्या होता, घाटा हो जाता। अब घाटा हो गया तो क्या होता, अब घाटा हो गया तो उसको साहस रहवे नहीं करेगा, उद्यम रहवे नहीं करेगा, तो क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा कि नहीं। हाँ, जैसे मतलब साहस नहीं रहेगा उसके पास। मान लो कोई 10 रुपया खर्चा नहीं करता और उसको तो 100 रुपये खर्चा करा देगा, कहते रहेगा एकदम। जैसे मान लो 10 रुपये कोई खर्चा नहीं करता, वो करे 1000 रुपया मान लो डुबा देगा जने तने, क्या साहस या उद्यमी उसी को कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उत्पादन करता है तो क्या होता है, उत्पादन करता है तो उसका क्या रहता है, उद्देश्य लाभ कमाना। जैसे कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उत्पादन करता है तो उसका उद्देश्य क्या रहता है, लाभ कमाना रहता है। लेकिन किसी कारण बस क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करना चाहिए तो क्या, साहस रखकर कार्य करना चाहिए। साहस रहेगा तभी ठट सकता है, कभी हानि होगा तब। अब इसके बाद साहस रहवे नहीं करेगा तो कैसे ठटेगा। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति को कार्य करना चाहे तो साहस रख कर करना चाहिए। इतना समझ में आ गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं।